हाँ तो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल हायर एरिया पे। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इजीएस्ट मेथड जो होता है ऑनलाइन मनी का, वो मैं आपसे बताऊंगा। ठीक है ना, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो इजीएस्ट मेथड टू मेक मनी ऑनलाइन, तो आपको बहुत सारे, आपको देख रहे हो ऑलरेडी मैंने सर्च किया कर रखा है आपको दिखाने के लिए ही, बहुत सारे आपको चीज़ें डाइवर्ट करने वाली मिल जाएंगी। ठीक है ना, अगर आप इसको अच्छे से फॉर्म नहीं करते तो बिल्कुल आप पैसे नहीं बना पाओगे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप सबसे ईजिएस्ट जो वे है जिससे लोग अच्छे अच्छे भर भर के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में मैं आपको आपके सामने दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा आपका माइंड में ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन से जो भी आपको नए नए ट्रिक्स जो भी टिप्स होते हैं वो हम आपको देते रहते हैं। ठीक है, सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ईजिएस्ट मेथड में आपको आज मैं बताने वाला हूँ जिससे लोग ऑलरेडी, पहले तो मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा दूंगा जिससे लोग ऑलरेडी पैसे बना रहे हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, ये आप चाहे मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप कंप्यूटर या फिर कोई डेस्कटॉप कुछ भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप इसका मतलब चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, कहने का मतलब घुमा फिरा कहा जाए तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर रहे हो, आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल है तो आप उससे काम कर सकते हो। ठीक है, काम क्या है भाई, काम ये है कि आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओपन करना है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओपन तो सब लोग कर लेते हैं, सब ने अपने ईमेल आईडी से यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है, बट यूट्यूब पे उनको कंटेंट नहीं मिलता है कि वो कंटेंट क्या बनाए। ठीक है, और कंटेंट अगर वो स्टार्ट भी कर दिए तो समझ नहीं पाते हैं कि अब मैं कहाँ, वो थोड़े देर इस कंटेंट पे रहेंगे, थोड़ी देर वो उस कंटेंट पे चले जाएंगे, दो चार वीडियो उस कंटेंट से बनाएंगे, तीन चार वीडियो अलग कंटेंट से बनाएंगे, तो भाई इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, सो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके के, पहले तो मैं एग्जाम्पल दिखा दूँ आपको ऑलरेडी, जो सब लोग जानते हैं, सब लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप खुद करोगे, आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे, देखो होता क्या है, देखो अगर मैंने YouTube पे ओपन किया और मैंने सर्च किया कि हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट, देख रहे हो हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट, भाई फेसबुक अकाउंट डिलीट कैसे किया जाएगा, तो ये तो आपको भी पता होगा, फेसबुक चलाते होगे तो हाउ टू डिलीट इंस्टा अकाउंट, ये देखो मैंने सर्च किया इस पे, तो ये तो आपको भी पता होगा कि हाउ टू डिलीट इंस्टा अकाउंट। ठीक है ना, इस तरीके के जो छोटे छोटे ट्यूटोरियल होते हैं 2 मिनट 3 मिनट के, जो मोबाइल से रिकॉर्ड हो सकते हैं आपके, ठीक है, आप देख रहे हो ये इन्होंने 4 मंथ पहले डाला है, इनको 664K व्यूज मिले हैं इस पे। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो, ये देखो 4.2 मिलियंस व्यूज है, एक साल में इसने तकरीबन 1 से 1.5 लाख मतलब से ऊपर पैसे सिर्फ इस वाले वीडियो से इन्होंने कमाया होगा। कितने मिनट का वीडियो भाई, 5 मिनट का, इन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना फेसबुक लॉगिन किया, उसके अंदर की लॉगिन करने के बाद उन्होंने दिखाया कि फेसबुक अकाउंट को किस तरीके से परमानेंटली डिलीट करते हैं या फिर किस तरीके से उसको फिर से आप अपने अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं डिलीट होने के बाद से, ये सारी चीज़ें देखो कितना छोटा छोटा ट्यूटोरियल्स है। ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है हमने तो बना दिया कि हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट, अब हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट हो गया तो हाउ टू फाइंड अनदर टॉपिक्स ऑफ फेसबुक, मतलब किस तरीके से आप फेसबुक के और सारे टॉपिक फाइंड करोगे जिस पे आप वीडियो बनाओगे, जो आप ऑलरेडी जान रहे हो उस पे आप देखोगे तो मिलियंस टन्स ऑफ जो है कि उस पे मतलब आपको मिलेंगे, क्या व्यूअर्स मिलेंगे जिन्होंने व्यूज गए होंगे वीडियो पे, जो व्यूज गया होगा, देखो 4.2 मिलियंस व्यूज है। अगर मैं इंस्टाग्राम देखो, हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट, कौन नहीं डिलीट करना जानता है, सब जानते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना, बट क्या करते हैं लोग, सर्च कर रहे हैं लोग, सर्च देख के फिर उसको फिर से वो देख के उसी हिसाब से अपने को वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करते हैं या फिर फेसबुक डिलीट करते हैं, सबको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इस तरीके के छोटे छोटे 2 मिनट 3 मिनट का आपको ट्यूटोरियल्स बनाने होंगे। ठीक है ना, इसमें जो मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे मान लो आपने चैनल ओपन कर लिया, कुछ टेक्निकल बेसिक वगैरह चैनल आपका कोई भी हो, ठीक है ना, उसमें आप बेसिक टेक्निकल बता रहे हो, जैसे ये आप देख रहे हो ना हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली स्लैश टेम्परेरी, ठीक है ना, ये गिव अवे भी दे रहे हैं इसके साथ साथ, तो आप समझो
साथ साथ में ये अपना प्रमोशन भी कर रहे हैं। पहला तो ये कि अगर इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 4.8 मिलियन व्यूज है 11 मंथ में, तो ऑब्वियसली इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज होने के बाद से ये कुछ एड्स तो पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे। दूसरा ये क्या गिव अवे अपना वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा होगा कि किसी वो किसी का गिव अवे प्रोवाइड कर रही होंगी, कुछ गिव अवे होगा उनका, कुछ चीज़ें बेच रही होंगी, ठीक है ना। या फिर वो क्या कर रही होंगी, वो कुछ एफिलिएट लिंक को नीचे मेंशन कर रखा होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इसी तरीके की चीजें फाइंड करनी है। अब आपको कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने, जैसे मान लो कि आप एक टॉपिक उठाओ, फेसबुक, फेसबुक आप सब लोग चलाते हो, इंस्टाग्राम आप सब लोग चलाते हो, ठीक है ना। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो जो चीजें हो सकती है संभवतः, वो सारे वीडियो डाल दोगे आप। अब वो सारे वीडियो डालोगे कैसे, ठीक है ना, इसमें मैं बता दूं कि आप कीवर्ड्स रिसर्च कैसे करोगे, ठीक है ना। तो हाउ टू, ये देखो, ये जो हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट हमने लिखा है, तो अभी कीवर्ड्स फाइंड करने वाली चीजें चक्कर में आ जाती है कि भाई अब कीवर्ड्स फाइंड कहां से करें, कैसे आप उन टारगेटेड कीवर्ड्स पे वीडियो बनाएं जिस पे लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हो, कैसे आपको पता चले कि वो टारगेटेड कीवर्ड्स कौन से हैं, ठीक है ना, जिसपे आपको वीडियो बनाने हैं। अगर इंस्टाग्राम आप डाल रहे हो तो इंस्टाग्राम पे वो सारी चीजें सर्च हो रही होंगी, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो करना क्या है आपको, ठीक है, इस तरीके की वीडियो तो आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का आप वीडियो बना दोगे, जो भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम मोबाइल का यूज करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करके, अगर आप ये लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप OBS सॉफ्टवेयर ये देख रहे हो, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर का यूज कर लोगे आप, ठीक है ना। तो देखो अब क्या, अब आपको ये फाइंड करने वाली बात आ जाती है कि आप किस तरीके से ये जो टाइटल्स है, ठीक है ना, जो कीवर्ड्स हैं उसको, जो मतलब सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स हैं उसको आप फाइंड करो, ठीक है ना। तो कैसे उस पर आपको वीडियो बनाने हैं, तो कहने का मतलब ये कि ये छोटा छोटा ट्यूटोरियल्स की व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ठीक है ना, आप ट्विटर से, ये सारे छोटे छोटे जो भी ट्रिक्स और टिप्स होंगे ना, आप उसको यूट्यूब पे देखो, कॉपी करो अपने हिसाब से, उसको अपने मोबाइल में परफॉर्म कर दो, बस आप उस जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो तो आपका, उसको आप प्लेस कर दो यूट्यूब पे, ठीक है ना। और जैसे इन्होंने लगा रखा है ये सारी चीज़ें, आपको उस तरीके से लगा देना है। तो देखो कीवर्ड्स फाइंड कैसे करेंगे, कीवर्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप देख लोगे आंसर द पब्लिक डॉट कॉम, ठीक है ना, आंसर द पब्लिक डॉट कॉम, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आंसर द पब्लिक डॉट कॉम पे जाओगे, ठीक है। जाने के बाद से आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मान लो कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको फेसबुक पे आपने डिलीट अकाउंट का तो बना दिया, अब आप किस पे बनाओ, कौन से वाले मतलब टॉपिक पे आपकी वीडियोज होने चाहिए रिलेटेड टू फेसबुक, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे फेसबुक लिख दो, ठीक है ना भाई। फेसबुक लिखने के बाद आप सीधा सर्च कर दो, ठीक है, सर्च करने के बाद आप देखोगे आपके सामने कुछ चीजें बन के आ जाएंगे, फेसबुक आ गया ना ये, अब देखो ये देखो हु फेसबुक ओन्स, हु फेसबुक क्रिएटर, देख रहे हो कितने सारे आपके पास ये आ गए सब, ठीक है। इस तरीके से आप देख लो, आर हाउ, हाउ वाले में देख लो आप, हाउ फेसबुक यूज योर डाटा, हाउ फेसबुक एल्गोरिथम वर्क्स, हाउ फेसबुक स्टार्टेड, हाउ फेसबुक वर्क्स, हाउ फेसबुक मार्केट प्लेस वर्क, हाउ फेसबुक मार्क्स मेक्स मनी, हाउ फेसबुक एड्स वर्क, ये सारा चीज आप देख लो, इस पर आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है ना। आप देखो अगर आप सर्च कर रहे हो फेसबुक पे तो देख लो कितने सारे आपको मिल रहे हैं ये सब डेटा, ठीक है ना, विदाउट फेसबुक, फेसबुक विदाउट अकाउंट, फेसबुक विदाउट एड्स, फेसबुक विदाउट मैसेंजर, ये सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें हाउ टू फेसबुक, इसमें अगर हाउ टू फेसबुक वगैरह देखोगे, अगर आप देख लो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इसको मैं कट कर देता हूँ, देखो अल्फाबेटिकल आपको सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है ना, फेसबुक एड्स, फेसबुक एप्स, फेसबुक एड लाइब्रेरी, ठीक है ना, फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हैक, फेसबुक एनालिटिक्स, फेसबुक ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीजें देख रहे हो आपको मिल रहे हैं, ये सब फेसबुक से। अब भाई अब इसमें आपको हाउ टू वाले फाइंड करने हैं कि हाउ टू वाले फेसबुक फाइंड करने हैं, ठीक है ना, कि हाउ टू फेसबुक, ठीक है ना। तो अब देखो मैं अगर सर्च करता हूँ फिर से न्यू सर्च, ठीक है, देखना अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट किया, तो इसको मैं सर्च करता हूँ, अब देखो इस पर क्या क्या चीज़ें आपको आ जाएंगी हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट से, ठीक है ना, देखोगे आप समझ जाओगे।
थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो, वेयर टू डिलीट फेसबुक अकाउंट, हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट विद पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड, ये सब देख रहे हो, देख लो। हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट 2020, ये सब कीवर्ड्स है बॉस, ठीक है ना। ये सारे टाइटल्स हैं, इस पर आप वीडियोज बना सकते हो, विच, विल, कैन, आर, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, ये सारी चीजें आप देख लो। तो इसी का आपको हेल्प लेके ना आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाने, छोटे छोटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का। सबसे पहले आप तो मतलब 20-20 वीडियो बना जाओ, ठीक है ना। 60 वीडियो क्रिएट कर दो आप, पर डे एक वीडियो क्रिएट कर लो, ठीक है ना। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा। मैं खुद इस चीज को करने वाला हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं सोचा, मैं करने से पहले आपको इस चीज को बताने वाला था, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो को रिलीज कर रहा हूँ। तो यूट्यूब से किस तरीके से पैसे बनाए, ये हेल्प करेगा आपको काफी इसमें answerthepublic.com, ठीक है ना। तो इसका यूज करो, बनाओ। देख लो, हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट ऐप, हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट एंड कीप मैसेंजर, ये सारे चीज़ों पे आप देख लो। आप चाहो ना तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, कि किस तरीके के आपके कीवर्ड्स यूज करने हैं, किस तरीके के आपको टाइटल्स यूज करने हैं, किस टाइप, ये सारे वैल्यूएबल टाइटल हैं, ये सब सर्च हो रहे टाइटल ही यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से आपको फेसबुक पे ये छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स जो भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ ये मैं खुद बनाने वाला हूँ। आप खुद आप भी बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं अपने चैनल के लिए, इसी चैनल के लिए मैं खुद बनाने वाला हूँ। आपको कल से मिलेंगे इस तरीके के वीडियो, कल से क्या, आज ही से मिलेंगे, ठीक है। मैं एक वीडियो इससे भी रखूंगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन तीनों में से मैं एक एक वीडियो पर डे एक एक वीडियो इन लोगों का डालूंगा, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट होंगे वहाँ पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का अलग अलग प्लेलिस्ट होंगे, ठीक है ना। उसमें जो कुछ भी इसके बारे में मैं बता पाऊंगा, ठीक है ना, उसको मैं बताऊंगा। कम से कम मैंने 25-25 वीडियो डालने हैं इन तीनों सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। मेरे पास तो बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे ये सोशल मीडिया अकाउंट के छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे डालने वाला हूँ। आप देख सकते हो कितने कितने मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, एक एक मिलियंस, 3.7 मिलियंस व्यूज आ रहे हैं एक ईयर में। हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली, डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट, बताओ क्या है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें ही आपको क्रिएट करनी है यूट्यूब से, यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए। तीसरा जो हो जाता है इसमें, मतलब आप जब वीडियो बना लो तो अपलोड कर दो, अपलोड करने के बाद बस 10 मिनट लगते हैं अपलोड करने में, ठीक है ना। किस तरीके से अपलोड करते हैं सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, कि मैंने कैसे वीडियो बनाया, उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।